नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आम का ऐसा डिश बनाएंगे, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 1.25 किलो आम हम लिए हैं और आम ये दशहरी वाला है। तो खासकर इसका कोई भी डिश आप बनाइए तो बहुत मीठा होता है, इसमें खट्टापन नहीं होता है, तो इसलिए हम दशहरी आम का डिश बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका छिलका हम चाकू की मदद से उतार दे रहे हैं और इन्हें इसी तरह से हम सारा छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद हम इस तरह से काट करके और इनका पूरा गूदा निकाल लेंगे और इसकी जो कुसली है उन्हें हम बाहर निकाल के फेंक देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से सारा गूदा हम निकाल देंगे। अब इसी तरह से सारा आम का गूदा हम निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आम का गूदा हमारा लमसम 1 केजी के लमसम है, तो इसे आप देख सकते हैं। आप कम या बेसी में बना सकते हैं, चाहे तो आप 1/2 किलो का बना लें और चाहे तो 2-4 किलो में भी बना सकते हैं, पर ये ध्यान दें कि धूप होना चाहिए, बिना धूप का ये डिश नहीं तैयार होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक जार में हम ले लिए हैं और जार में बिल्कुल बारीक पेस्ट बना के हम तैयार कर लिए हैं। ये ध्यान दें कि कोई भी लम्स या गांठ गुठली ना इसमें रहे, बिल्कुल बारीक हमें बना के तैयार कर लेना है। अगर थोड़े में आप बनाएंगे तो आप बिना धूप का भी पंखे के सहारे से आपका सूख जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप धूप को देखते हुए ही इस डिश को बनाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक कढ़ाई लिए हैं और सारा गूदा जो है हम बारीक पिसा हुआ इसमें डाल दे रहे हैं। अब उसमें हम इस कटोरी से, छोटी कटोरी है यानी कि 150 ग्राम चीनी है, इसमें हम डाल दे रहे हैं। आप चाहें तो बिना चीनी का भी बना सकते हैं और चाहें तो चीनी का मात्रा कम बेसी में भी कर सकते हैं। अब इन्हें जो है हम गैस जला के और गैस से मीडियम आंच पे हम पकाएंगे। और पकाते वक्त हमें बिल्कुल ध्यान देना है कि ये तले में ना पकड़े, चलाते हुए हमें इन्हें पकाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पलटे की मदद से हम इन्हें चलाते हुए पका रहे हैं। अब इस समय गैस का फ्लेम जो है मीडियम में है, थोड़ा सा छीटा ज़्यादा आता है तो आप गैस का फ्लेम का ध्यान दें, हाई या मीडियम या धीमा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें आप देख सकते हैं कि हम चला चला के इन्हें एक गाढ़ा पेस्ट बना लिए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इनको हम चेक करते हैं, हमारे ख्याल से तो अब लमसम ये हो गया है, गाढ़ा बिल्कुल है। तो थोड़ा सा हम इसे अपने हाथों में हल्का सा पानी लगा के और इन्हें चेक करते हैं, आपको हम दिखा देते हैं। देख सकते हैं आप, जब हम दोनों अंगुली की मदद से इसे छू रहे हैं तो इस तरह से एक तार सा बन रहा है। अब हमारा रेडी हो गया है, तो इन्हें हम तुरंत जो है एक थाली लेते हैं और थाली में हल्का सा घी लगाते हैं। घी या तेल कोई भी चीज़ का आप यूज कर सकते हैं। एक ब्रश की मदद से हम हल्का सा घी लगा दे रहे हैं, आप चाहे तो अपने हाथों से भी इसमें लगा सकते हैं। और इस तरह से एक थाली में हम लगा दिए हैं, अच्छी तरह से लगा दें और दूसरे में भी ठीक इसी तरह से हम लगा दिए हैं। और अगर मेरे चैनल पे आप पहले बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल बटन को क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थाली हमारी दोनों तैयार हो गई है। अब इसमें हम ये जो आम का पल है इसे हम दोनों थाली में आधे आध बराबर में हम निकाल लेंगे। तो पहले तो एक में हम निकाले हैं, अब इन्हें हम इस तरह से फैला देते हैं, जितना बारीक आप चाहें
तो आप मोटा या पतला में आप बना सकते हैं। अगर चाहे तो ज़्यादा मोटे में भी बन जाएगा, अगर चाहे तो पतले में भी बन जाएगा, पर पतला वाला जो होता है थोड़ा सा जल्दी सूखता है और खाने में भी अच्छा लगता है, तो इसलिए हमें पतला वाला ही ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे थाली में हम अच्छी तरह से इन्हें फैला दिए हैं, बिल्कुल बराबर में फैला लें और दूसरे में भी ठीक इसी तरह से हम फैला देते हैं। दो दिन आपको धूप में सुखाना पड़ेगा, अगर धूप नहीं है तो आप पंखे में भी रख सकते हैं। धूप में आप रखें, ऊपर से कपड़ा डाल दें हल्का सा, या कोई चलनी वगैरह हो तो ऊपर से डाल के रखें, नहीं तो इसमें कंकड़ वगैरह उड़ के पड़ जाएगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा इन्हें ढक के ही रखें तो बेटर है। अब इसमें भी हम इसी तरह से फैला दिया और इन्हें अब हम दो दिन धूप में सुखाएंगे। अब आप देख सकते हैं दो दिन धूप में सुखाने के बाद हमारा अमावट देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि सूखने के बाद कैसा ही दिखने में लग रहा है। तो एक चाकू के मदद से हम बगल बगल से निकाल देंगे, थोड़ा सा आराम से निकालें क्योंकि टूटने का डर होता है, तो थोड़ा सा धीमे धीमे हम बगल बगल से बस साइड साइड से जैसे ही निकाल देंगे तो तुरंत उसके बाद हमें इन्हें छुड़ाने में आसानी रहेगा। आप देख सकते हैं, अब आइए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से हमारा अमावट तैयार हो गया है बन के। ये देखिए आप क्या अमावट बन के तैयार हुआ है। हमारा हाथ जो है आप देख सकते हैं, हथेली बिल्कुल पारदर्शी है, पीछे के साइड से हमारी हथेली दिख रही है, बिल्कुल पतला वाला अमावट है। और अगर अच्छा धूप हो तो बस एक दिन में ही सूख जाएगा। हमारे यहाँ धूप की थोड़ी कमी थी तो दो दिन हमें लगा है सुखाने में। इस तरह से आप देख सकते हैं और बनाने के बाद बहुत मस्त लगता है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करें। तो इन्हें अब हम चाकू के मदद से काट लेते हैं। आप चाहें तो जैसा भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम बगल बगल से थोड़ा सा काट देते हैं और इसके बाद हम इनका रोल बना देते हैं। इस तरह से हम एक रोल बनाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसी तरह से हम पूरा रोल बना लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी काट के अलग अलग में रख सकते हैं चौकोर चौकोर, पर इस तरह से देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है बनने के बाद। और ख़ासकर बच्चे बहुत मन से इसे खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये डिश। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा जो है रोल बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम चौकोर में काट लेते हैं। अगर आपको नम लगे थोड़ा सा, जैसे कि अच्छी तरह से ना सूखा हो, तो थोड़ा सा धूप और आप दिखा दें तो सूख जाएगा। इसके बाद आप एक डिब्बे में भर के और फ्रिज में रख दें, पूरे सालों साल चलेगा। हाँ, लेकिन अगर रखना है तो आपको अच्छी तरह इन्हें सुखाना पड़ेगा, अच्छी तरह सुखा के ही आप फ्रिज में रखें। और इसके बाद इसका चटनी, जैसे कि पकौड़ी से चटनी खाना हो या चटनी आपको यूज बनाना है तो आप इसका चटनी बनाएं, बहुत मस्त चटनी बन के तैयार इसका होता है। हम आपको इसका चटनी बना के एक बार रेसिपी ज़रूर हम डालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से सारा रोल हम बना लिए हैं और बाकी जो है चौकोर दो चार टुकड़ा काट के रख लिए हैं। तो हमारा डिश कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और इस तरह से बना के ट्राई आप ज़रूर करें। तो धन्यवाद।